आइए मैं आगे का सफर, राजेश प्रतापगढ़ी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी आपको डंडा बनारसी को भी सुनना है, बिहारी लाल अंबर जो इलाहाबाद की धरती से आए हैं, प्रयाग की धरती से, उनको सुनना है। साविस्ता ब्रजेश जी, वो साविस्ता भी हैं, ब्रजेश भी हैं, कौमी एकजहती और ओज की वो देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री हैं और शायरा हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, राजेश प्रतापगढ़ी जी को सुन ले, इसके बाद तो फिर दूसरे कवि को आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इतना बड़ा कवि, बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा था, एक कोयल के बाद एक कौवा को बुला दिया आपने, और इतने देर बाद मुझे मन से उठाई, स्वर आपको भी उठाए। नहीं, मैं आप सभी जीवित श्रोताओं से को प्रणाम करता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप अपने लिए। और मंच पर राजेश जी, हाँ, वो आप ही का नाम बीच बीच में पूनम जी ले रही थी। अच्छा, एक बार तालियां बजा दें, तालियां। क्या बात है भाई, मानव जन सेवा संस्थान के तत्वाधान में आज ये कवि सम्मेलन यहाँ पर परमादरणीय हमारे मित्र नीरज सोमवंशी जी हैं, आप उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आयोजक हैं और मंच पर नोएडा से चलकर हमारे बीच में आई हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है मित्रों, सब कुछ खुलते हैं, सब हो चुका है। आइए दादा, दादा पूरे मन का आशीर्वाद चाहूंगा। कि मन के पीला को छेड़े वो झनकार, वाह, इस देश की, देश का सबसे छोटी कलम का अभिवादन स्वीकार करें। कि मन के बीला को छेड़े वो झनकार, छंद के बंद का एक फनकार, हर पहर बोलती है मेरी लेखनी, और देश का सबसे छोटा कलम। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, वाह वाह, क्या बात। तालियां बजाइए। एक बार मैं जयपुर में कविता पढ़ रहा था, किसी ने तालिये नहीं बजाया, एक सज्जन अकेले पीछे बजा रहे थे, हमने कहा भैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके पिताजी को भी जो अकेले मेरी कविता पे ताली बजा रहे हैं, तो उसने कहा ताली थोड़ी बजा रहे थे, हम तो तंबाकू ठोक रहे थे। तो कभी कभी ऐसी हो जाती है। और चार पंक्ति मित्रों, इतनी देर से आप बैठे हैं, आपको जोड़ता हूँ। अरे किस शांति सद भावना की पावन वसुंधरा पे, ये देखिए कविता, शांति सद भावना की पावन वसुंधरा पे और प्रेम भावना के गीत गाने चले आए हैं। वाह, भारती के चरणों में शीष को झुकाने हेतु और शब्द स्वर साधना सजाने चले आए हैं। वाह वाह, तो चहुर गीत छंद के सुगंध बहे मंद, अरे ऐसी रस धारा बरसाने चले आए हैं। और राजेश प्रणाम करता है आप सबका, जो रस भरी गंगा में नहाने चले। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत अच्छे, बहुत। और चार पंक्ति और यहीं से एक संदेश देते हुए इस मंच से, इस संस्था की तरफ से, किसी मन की बसती में अब न कोई दंगा हो, इस यमन की बसती में अब न कोई दंगा हो, अब न कोई दंगा हो, और दिल से दिल मिले सबके, प्यार वाली गंगा हो, दिल से दिल मिले सबके, और प्यार वाली गंगा हो, और नफरतों की नाग फनिया और जड़ से काट डालेंगे, बस दिलों में भारत हो और हाथ में तिरंगा हो, बस दिलों में भारत हो। हमारे देश का बहुत अच्छा भाई,
राजेश जी, बहुत सलीके से आपने बात कही है, आपके सलीके को मैं बधाई देता हूं। और यही केवल शब्दों का योग कविता नहीं है, उसको एक सलीका देना है, उसका एक उसको एक प्रतिमान देना है, उसको शब्द देना है और शब्द ध्वनित हो ये देना है। मैं चाहता हूं कि राजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के और ये चार पंक्तियां फिर से आप पढ़े राजेश जी, बहुत बहुत बधाई। इसी अमन की बस्ती में अब न कोई दंगा हो, और दिल से दिल मिले सबके और प्यार वाली गंगा हो, और नफरतों की नाग फनिया और जड़ से काट डालेंगे, बस दिलों में भारत हो और हाथ में तिरंगा हो, बस दिलों में भारत हो और हाथ में तिरंगा। और दिल से दिल तो मिलते हैं पर मिला नहीं करते, दिल से दिल तो मिलते हैं पर मिला नहीं करते, और जैसे फूल कागज के ओ खिला नहीं करते, अरे फिर भी ये तसल्ली है, अरे दिल से दिल तो मिलते हैं, ऐसे मिलने वालों से हम गिला नहीं करते, ऐसे मिलने वालों से। और मित्रों कि मुल्क की आन बान और शान मत बेचो, मुल्क की आन बान और शान मत बेचो, धर्म के नाम पे गीता कुरान मत बेचो, और कसम तुम्हें है किसानों की और जवानों की, कुर्सियों के लिए हिंदोस्तान मत बेचो, कुर्सियों के लिए हिंदोस्तान मत बेचो। और आइए चार चार थोड़ा सा दो तीन मुक्त और थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हुए, कि उड़ रहा आदमी आज अंबर पे है, उड़ रहा आदमी आज अंबर पे है, हर नजर फेसबुक और नंबर पे है, और छुप के मिलने मिलाने के दिन लद गए, अब तो सारा मजा बस मैसेंजर पे है, अब तो सारा मजा बस मैसेंजर पे है। और मित्रों मीटिंग जो उससे तय थी वो अटेंड हो गई, और छोटी सी भूल क्या हुई, अनफ्रेंड हो गई, और उसने कहा कि आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिताजी की फोटो सेंड हो गई। और अंबर भाई चार पंक्ति, आप तो मेरा प्रिय मित्र है, कि दिल कैसे करे साफ वो झाड़ू तो नहीं है, दिल कैसे करे साफ वो झाड़ू तो नहीं है, हर फन का ये माहिर है जुआड़ू तो नहीं है, और सब चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये बापू आसाराम का साढ़ू तो नहीं है। अरे भाई आप भी एकदम। और आप जब भी मिले आखिरी में मिले, आप जब भी मिले आखिरी में मिले, आखिरी में मिले, और प्रीत के फूल की पाखुरी में मिले, प्रीत के फूल की पाखुरी में मिले, और मेरा दिल है कोई जियो सिम तो नहीं, मेरा दिल है कोई जियो सिम तो नहीं, और छह महीने तलक जो फ्री में मिले, छह महीने, और मोहब्बत करने वाले तो
तो तुम शान से मिलना, मोहब्बत करने वाले तो सुतो तुम शान से मिलना, ये एंटी रोमियो का दौर है आराम से मिलना। ओ कहां कब कैसे करना है ये राधे माँ बताएंगी, और सबक गर सीखना तुमको तो आसाराम से मिलना, सबक गर सीखना तुमको तो आसाराम से मिलना। और मित्रों बस सिर्फ अंतिम में एक मुक्तक जो है आखिरी में, एक मुक्तक ये इनकी आखिरी है, मैंने मुक्तक की आखिरी कही कि सच कहेंगे तो चेहरा उतर जाएगा, सच कहेंगे तो चेहरा उतर जाएगा, और कौन सी बात किस को अखर जाएगा, और हंसते चेहरों के पीछे है इतना जहर, अरे आदमी काट ले सांप मर जाएगा, आदमी काट ले सांप मर जाएगा। ओ जिंदगी की हंसी एक कहानी हो तुम, कि जिंदगी की हंसी एक कहानी हो तुम, और प्रेम की एक अनूठी निशानी हो तुम, ओ गीत गोविंद को पा गया आज मैं, अरे ढाई आखर कबीरा की बानी हो तुम, ढाई आखर कबीरा की बानी हो तुम। अब आदरणीय पूनम जी चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ आपको, आदरणीय पूनम जी चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि आज भी आप लगे ते हैं कल की तरह, और आज भी आप लगे ते हैं कल की तरह, ओ लहलहाती हुई सी फसल की तरह, ओ दाग दामन में कोई लगाए भले, अरे सच कहूं आप हैं गंगा जल की तरह, सच कहूं आप हैं गंगा जल की तरह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे और रचना भी अच्छी है, पढ़ भी रहे हैं पूरा। बहुत दिन बाद आदरणीय जी की चार पंक्तियां कि प्रीति के गीत को गुनगुनाया करें, और प्रीति के गीत को गुनगुनाया करें, प्यार की खुशबुओं में नहाया करें, और आप मेरे बुलाने पे आते ही हैं, और बिन बुलाए कभी आ भी जाया करें, बिन बुलाए कभी आ भी जाया करो। धन्यवाद मित्रों।